नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और चाहते हो कि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सके, तो यार ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना यहाँ पे, इसको दबा दो, उस घंटी को है ना बजा दो। तो यार आज हम वीडियो में जो है बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे हुए, और वो भी आपको मतलब पैसे मिलेंगे अप्लाई करने के बाद। जब अप्रूवल हो जाएगा आपको क्रेडिट कार्ड का, आपको पैसे मिलेंगे। आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, 400 रुपए का कैशबैक मिलेगा, और ये सच है। तो ये वीडियो दोस्तों मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो मेरी वीडियोस थी वो इसी के ऊपर थी कि यार क्रेडिट कार्ड से हम जो है किस तरीके से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं, है ना। जैसे पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, क्रेड ऐप हो गया, इन सबको यूज करके जो है इस तरीके से बेनिफिट्स ले रहे थे। तो यार ये भी एक इशू है कि कई लोग क्रेडिट कार्ड नहीं बना पाते, तो उनके लिए खासकर ये वीडियो है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका क्रेडिट कार्ड बनेगा ये ICICI बैंक का होगा, और ये सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड मुझे लगा है क्योंकि ये जो है मैं पर्सनली यूज करता हूँ और भी कई सारे क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ। और इसमें जो बेनिफिट है यार, आपको कोई भी एनुअल फी नहीं देनी पड़ती, समझ रहे हो, मतलब कोई भी खर्चा क्रेडिट कार्ड से करो या ना करो आपको कोई पैसे नहीं देने, समझ रहे हो। बाकी कई कार्ड्स होते हैं जिन पे होता है यार कि एनुअल फी लग जाता है और उसको बनाने का भी आपको चार्ज लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, अमेज़न आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं आपको अब तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से जो है अमेज़न के थ्रू जाके अमेज़न से ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अमेज़न खोल लिया है अपना, यहाँ पे आपको सर्च का बार दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सबसे टॉप पे लिखा था अरहर दाल, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको और एक बार क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप जो है कैशबैक के ऑफर्स देख पा रहे होंगे, सेव एक्स्ट्रा करके जो उसके नीचे लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सी वन मोर ऑफर, इसको आप क्लिक करो, और यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे पार्टनर ऑफर्स करके एक लिखा हुआ है रेड कलर में, उसके नीचे वही चीज लिखी हुई है कि गेट फैट 5% बैक विद Amazon ICICI क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे यार पार्टनर इसलिए लिखा है क्योंकि Amazon और ICICI बैंक की जो है पार्टनरशिप है, दोनों मिलके जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप इसको क्लिक करो सिंपली, और नेक्स्ट जब ओपन होगा तो आपको जो ब्लू कलर में Amazon पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड दिख रहा है उसको क्लिक कर दो। तो यहाँ पे जो है यार आपको सारी चीजें दिख जाएंगी कि आपको इस कार्ड से फायदा क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यार ऊपर दिख रहा है आपको कि अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब एक रिवॉर्ड पॉइंट जो है 1 रुपए के बराबर। मैं बता दूं क्रेडिट कार्ड में आज के टाइम में नहीं, तो ये सबसे बेस्ट है इसमें। दूसरी चीज, जो भी कैशबैक आपको इसमें मिलेगा इस कार्ड के, तो वो जो है आपके अमेजोन पे बैलेंस में क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। तो आप उसको जो है यूज कर सकते हैं इजीली। तीसरी चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है। तो यार ये तो यार एकदम तोड़ है, बिल्कुल तोड़। और यहाँ देखो चेक एलिजिबिलिटी इन 60 सेकंड्स के नीचे जो लिखा हुआ है गेट 400 कैशबैक इंस्टेंट, और इसकी वैलिडिटी 31 अगस्त तक है, एक्सटेंड हुई है फिर से। तो आप जब इसको अप्लाई करोगे कार्ड को, उसके बाद जब आपके कार्ड का अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको 400 इंस्टेंट मिल जाएंगे जैसे मुझे मिले हैं। तो आप जो है नीचे जाके अपनी एलिजिबिलिटी का चेक कर सकते हो कि मैं एलिजिबल हूँ उस कार्ड को अप्लाई करने के लिए नहीं। और यहाँ पे और भी चीजें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं इस कार्ड को यूज करने से, आपको चेक कर सकते हैं, कई जगह मिलते हैं और आपका कई ज्यादा फायदा होगा इसमें। सेकेंडली आप नीचे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो FAQ होते हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आप इस कार्ड को घर बैठे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। मैं बता दूं कि यार सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पूरी हो जाती है, जो एक होती है ना इनकम की रह जाती है, जैसे स्टूडेंट्स लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ये देख लो कि आप जॉब करते हो, आपकी अर्निंग है, आपका ऐसा बैंक अकाउंट है, क्योंकि आपको ये सारी प्रूफ जो है सबमिट करनी पड़ती है, ये मैं आपको पहले बता दूं। बाकी सारी एलिजिबिलिटी आप पूरी कर लोगे। तो यार मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो अब जो है हम आगे चलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कंप्लीट योर एप्लीकेशन का एक बटन आपको दिख रहा है, आप इस पे सिंपली क्लिक कर दोगे। और यहाँ यार आगे जाने से पहले मैं आपको दिखा दूं और क्या क्या है।
लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड यार, वाओ, मतलब वाओ, समझ रहे हो, लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। उसके बाद ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज इक्विवेलेंट टू 1 रुपीस, जो कि यार आज के टाइम में तो भूल ही जाओ। बाकी यार EMI अगर आप यूज करते हो तो उसके काम के लिए भी है ये। बाकी फ्यूल सरचार्ज वेवर, जो भी आपका सरचार्ज लगता है फ्यूल पेमेंट करते टाइम, वो इसमें नहीं लगेगा। इसको मैं कैसे समझाऊं, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि आप जैसे मान लो कोई सा भी क्रेडिट कार्ड प्रेजेंटली यूज करते हो, कोई सा भी XYZ, आप पेट्रोल पंप पे जाओगे ना और वो कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करोगे, आप जब स्टेटमेंट चेक करोगे ना, जब आपका क्रेडिट कार्ड बिल आएगा, आप देखोगे एक्स्ट्रा पैसे कटे हैं। मान लो कि आपने 500 का फ्यूल डलवाया था, लेकिन आप जब स्टेटमेंट चेक करोगे ना, 500 नहीं होंगे, 500 से ज्यादा रुपए होंगे, तो वो सरचार्ज होगा। तो वो चीज जो है आपकी ICICI क्रेडिट कार्ड में नहीं लगेगी, तो वो वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये तो हो गया। अब यहाँ देखो नीचे लिखा है अप्लाई इन 3 सिंपल स्टेप्स, मतलब 3 स्टेप्स हैं आगे जो आपको प्रोसीड करने होंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना नंबर डाल दोगे, जैसे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, और ये OTP के लिए जो आपको पूछेगा, तो आप गेट OTP पे क्लिक कर दो। तो यहाँ मैंने OTP डाल दिया, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यार ये सारी डिटेल्स होगी आपकी, आपको सब कुछ इसमें फिलअप करना होगा, एड्रेस डिटेल्स, ठीक है, पहले पर्सनल डिटेल्स हैं, अपना नाम, पिन कोड, और जहाँ आप रहते हो स्टेट, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का नाम भी दे दो, जेंडर, फिर सेकेंडली जो ऑप्शन है एड्रेस डिटेल्स, ठीक है, उसको आप फिल कर दोगे अच्छे से, उसमें नीचे लिखा भी हुआ रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस वेरिफिकेशन। उसके बाद जो थर्ड स्टेप यहाँ पे है वो है शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, आपको यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी होगी। जब मैंने इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था, मैं खुद से सिलेक्ट नहीं कर पाया था, रीजन बीइंग कि अभी जो कोरोना वायरस की जो स्थिति चल रही है उसके चक्कर में आप खुद से शेड्यूल नहीं कर पा रहे चीजें, तो वो जो है कंपनी खुद अपने हिसाब से देख रही है, जब कंफर्टेबल लग रहा है उस हिसाब से आपको वो मैसेज कर देंगे कि हम इस दिन आएंगे, तो आप रेडी रहिएगा अपने KYC डॉक्यूमेंट्स लेके। KYC मतलब यार आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, KYC मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बता देंगे क्या क्या रखने हैं, आप जब तीसरे स्टेप में जाएंगे उसका स्क्रीनशॉट रख के लेके रख लेना, और वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लेना, जब उनका बंदा आपके घर आए KYC कर लेना, वो चला जाएगा, उसके बाद फर्दर वेरिफिकेशन होंगी, आपको मैसेजेस आते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो आप उससे यार मतलब अपडेट रहोगे कि आपके क्रेडिट कार्ड का क्या जो है प्रोग्रेस चल रहा है। तो जो मेरा है यार ऑलमोस्ट 1 वीक और 1.5 वीक अराउंड हो गया है, और मेरा क्रेडिट कार्ड जो है कल आ जाएगा। तो इसी तरीके से यार आप अप्लाई कर सकते हो, और आगे भी जो मेरी वीडियोस आएंगी उनमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होंगी। तो यार इस तरह की वीडियोस देखने के लिए, ऑफर्स और कैशबैक्स का फायदा उठाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, सारे नीडी पर्सन तक पहुंचाओ। तो यार अपना ध्यान रखो, ऑफर्स को यूज करो, मजे लो, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, थैंक यू।